साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन पांडे आज इको गार्डन से आप सबके मध्य लाइव आया हुआ हूँ। आज हम सबका यह नई शिक्षक भर्ती के लिए आज 12वां दिन है। लगातार हम सब अपनी टीम के साथ पूरा संघर्ष में लगे हुए हैं। हमारे टीम के जो भी साथी अपने मनोबल से अपने जो लक्ष्य की तरफ वो धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सबका जो धरना था 23 मार्च से शुरू होकर के आज 3 मार्च तक पहुँच चुका है। हमारे तमाम साथियों का सहयोग मिला है। सब कुछ साथी हमारे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं। लगातार इनका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ बड़े भैया दामोदर जी हैं, बिट्टू जी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, सोलंकी जी हैं, प्रशांत तिवारी जी हैं, जो लगातार अपनी रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं। और साथियों हम सब अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ हम सब अपना बढ़ते रहेंगे। कौन हमसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। केवल हम सबको केवल 15 तारीख जो महाधरने की डेट है, हम सब उस बात पर हमें ध्यान देना है जो महाधरने का ऐलान किया गया 15 अप्रैल को। साथियों हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप सब 15 अप्रैल के महाधरने का सहयोग करिए और साथ दीजिए। जो यहाँ महाधरना का ऐलान हुआ है, इसको कदापि आप कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ हम सब के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप सबके प्रशिक्षुओं के हमें सहयोग की जरूरत है। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों लगातार आप देख रहे होंगे कि हमारी जो टीम है अपने हिसाब से कार्य कर रही है। लगातार हम सब अपने मनोबल से, अपने विचार से लगे हुए हैं। और साथियों आज हमने देखा है कि बहुत सारे ग्रुपों में हम सब के खिलाफ एक भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जो अनावश्यक उस भ्रामक खबर से हमारी इस टीम का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कौन सी ऐसी खबर है, पता नहीं कौन सी भ्रामक खबरें हैं जो चारों तरफ से फैलाई जा रही है। हम अपने जो भ्रामक खबरों पर हमें नहीं ध्यान देना है, केवल हमें देना है 15 अप्रैल को महाधरने का ध्यान देना बस। देखिए ये सब एक प्रशिक्षु है, ये जो कुछ नेता है तो है ऐसे कि जो हम सबको यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं। हमारे सबका संघर्ष उनको रास नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हम ही सब कुछ है, अगर हम सब बैठ गए हैं तो हम सबको यहाँ खदेड़ने पूरी योजना बना रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी खबरें फैला रहे हैं, कैसा है, ऐसा कर रहे हो। साथियों आप सब खुद समझदार हो, हम यहाँ सब बैठे हैं। किसी तरीके कोई ऑफिशियल रूप से किसी बात किसी से हम सब नहीं कहे हैं। कोई भी बात हो, किसी भी तरीके का, हम सब हमेशा प्रशिक्षुओं का सहयोग मानते हैं, साथ मानते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे हैं जो हमारे धरने का साथ नहीं दे रहे हैं। साथियों वही कुछ भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, आप उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जिससे धरने से कोई लेना देना नहीं है, जो नई शिक्षक भर्ती के लिए महाधरने के लिए एक पोस्ट तक नहीं डाल रहे हैं, आप वो पता नहीं कौन सी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद जागरूक हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप ऊपर विचार रखता है। किसी भी प्रकार की आप कमजोर ना होइए, आप साथ दीजिए। हमारे जितने भी प्रशिक्षु साथी हैं, जो हमारे जितने भी प्रदेश के जितने हैं, केवल आपका सहयोग की जरूरत है। हमें किसी प्रकार का कुछ सहयोग, आपके केवल सहयोग की को गार्डन का सहयोग, इस महाधरने को सफल बनाने के सहयोग चाहिए बस। और हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं चाहिए साथी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप कोई आपके खिलाफ, क्योंकि देखिए साथी हमारे जो टीम है, बिट्टू जी, ज्ञानेंद्र जी हैं, प्रशांत जी हैं, बड़े भाई हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि देखिए नितेश जी जानते हैं, होता क्या है ना कि हमेशा आपके विरोधी कोई न कोई हमेशा रहते हैं। चाहे हम कितने भी स्वच्छ रहे, कितने भी हम सही रहे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको यह बातें पसती नहीं है। ये सब इसे वहाँ धरने पर बैठे हैं, इनको किस तरीके से हम खदेड़े, केवल हम सबको खदेड़ने की काम कर रहे, हमारे खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं भ्रामक खबरों से। हम सुबह देख रहे, पता नहीं क्या चीज है, सर कौन कर दिया है, कौन क्या कहते हैं, हम आप सबसे कोई लेना देना नहीं। आप अपने साथ दीजिए, जो आपका केवल आप सब सभी साथी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर, हम भी हमारा हम सबको कोई कितना भी मनोबल गिराएगा, लेकिन हम केवल हमारा 15 तारीख जो महाधरने के ऐलान है, हम सब उसी पर कार्य करेंगे। किसी के बहकावे में न हम आएंगे, न प्रशिक्षु प्रदेश के जितने वो आइए, क्योंकि यह राजकाज होता है कि किसी का सुख देखा नहीं। कभी आप पड़ोसियों को देखेंगे तो पड़ोसी जो होते हैं उनको आपकी सुख को देखा नहीं जाता, सोचते ना किसी प्रकार को इनका हम गिराने का कोशिश करें।
हम हमारे भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं, तो पड़ोसी हमेशा ऐसे होते हैं। तो डीएलएड इतना बड़ा परिवार है, तो उसमें से कोई कोई रावण है, ऐसे है कि दुर्योधन भी हैं, उन सबको आप कितना भी कहिए, वो सब अपने गंदी आदतों से बाज नहीं आएंगे। इतनी गंदी मानसिकता हो गई यार, मैं तुम्हारे लिए क्या शब्दों का प्रयोग करूँ, मैं क्या शब्द कहूँ तुमको। तुम एक शिक्षक भर्ती के लिए वोट तो नहीं डाल रहे हो, लेकिन कहो कि राम में खबरें फैला रहा हूँ। मन में तो बहुत ज्यादा आज ये देख करके कि हमारे बीच का ही साथी इस तरीके का कृत्य कार्य कर रहा है जो है निंदनीय है। आप एक शिक्षक भर्ती के लिए यार ज्ञानेंद्र जी बैठे हैं, सोलंकी जी यार ये तो बैठे यार कम से कम यहाँ आकर के। 2021 में भी धरना हुआ था यार, हम भी वहाँ के बैठे थे, हमेशा शिक्षक भर्ती के लिए पोस्ट करते थे। ज्ञानेंद्र जी यहाँ अपना पूरा समय काट दिए थे जब तक धरना चला था। बिट्टू जी थे, सोलंकी जी थे, तो उस समय हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हम सबका जो यह खुशी है उनको नहीं, केवल आपको। कुछ लोग चाहते हैं कि ये शिक्षक भर्ती ना आए, राजा राजा ही हम बने रहे, हम सबको ऐसे प्रजा को ऐसे खदेड़ना चाहते। जाने वाले नहीं है, बता दीजिए जाने वाले नहीं है। साथियों हम फिर बता दे रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमको कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं मिल जाता है। आप कितने भी साजिश रचिए, कुछ ऐसे हैं जो साजिश रचते रहिए, लेकिन हमको क्या, हम तो इसे हंसते रहेंगे और अपने कार्यों पर लगे रहेंगे। उससे अब हम किसी प्रकार के भयभीत नहीं होंगे। 15 तारीख का आह्वान करिए, 15 तारीख को आप सब इसी जोश और जुनून के साथ आप आइए, किसी अन्य बातों पर ध्यान न दीजिए। साथियों आज अब आगे की बातें हमारे जो है सोलंकी जी आपसे कुछ कहेंगे, आप बात। सभी साथियों को नमस्कार। हस्ता चेहरा शिवम भाई का इक्रामा दिन है, अनुरोध करने का पता है कि जो आदमी अगर सच्चा है तो उसे आप कितना उट्रोल कर लीजिए, कितना प्रोत्साहित कर लीजिए, उसका अंगद का पैर अगर जम गया है सही तो मैदान में जमा रहेगा। आपके जैसे बुजदिल नहीं है कि 10x10 के रूम में अपनी मांगों को मांगे। हम सोशल मीडिया वाले नहीं है, हम जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं। आपके जैसे डीएलएड के 21 लाख परिवार को धोखा दे के हम नहीं आए हैं, हम आए हैं अपने खून पसीने से अपने आप को सींच रहे। 51,000 शिक्षक भर्ती जिसका आह्वान 23 तारीख को हमारी टीम ने किया था, आपको विदित हो नीतीश पांडे नेतृत्व करता है उसके, अगर उन्होंने अगर कुछ नहीं किया है उनके खिलाफ अगर कोई भ्रामक खबरें आप में दम है तो फैलाइए। वो अपने तरफ से तन मन धन से नीतीश पांडे तैयार हैं, हम सबको अपना तन और मन मस लगाना है, 21 लाख प्रतिशोध का लगाना है। आप सभी को कोई भी गुमराह करता है तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ऐसे मनचलों को तूर उखाड़ के फेंक डालिए डीएलएड परिवार से। जो अपने परिवार के नहीं हो सका, जो अपने घर परिवार के नहीं हो सका, वो हमारा आपका क्या होगा। नेताओं को आप दूर करिए। आपसे मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर। आह्वान हुआ था उसमें बड़ी बड़ी पोस्टें देखने को मिली थी कि हमारा इस धरने को कोई भी दूर दूर तक समर्थन नहीं रहेगा। उन लोगों से आज 12वां दिन है, उन लोगों के मन में भ्रम था, उनके दिमाग में जो भ्रम था वो टूटा हुआ है। फर्जी आईडी, फर्जी चीजें बना के प्रसारित करना, लोगों को बीच लेके जाना, उनके मन की कहीं न कहीं कुंठा है, ईर्ष्या है। आपको बता देना चाहते हैं आपके मन की कुंठा हमें विजय की तरफ अग्रसर करेगी और 51,000 प्लस पदों पे शीघ्र अतिशीघ्र ही भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने में आप जितना विरोध करेंगे हम सफलता की तरफ उतना आगे बढ़ते जाएंगे। आपका यह विरोध हमारा हौसला कतई नहीं तोड़ सकता है। आप विरोध करते जाइए, हम ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। कोई भी जब तक विरोध किया है, चाहे वो इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जब जब विरोध हुआ है तब तब ऊंचाइयों को हासिल किया गया है, तब तब इतिहास रचा गया है। आपके विरोध से, आपके चाहने से, आपके फेसबुक के पैसे आप अगर पोस्ट करते हैं उससे अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत घोषित बहुत बड़े नेता बन गए हैं तो आप कुछ नहीं है। आपका पूरा 21 लाख परिवार जान चुका है कि आप लाखों करोड़ों लेके भागे हुए हैं। आपको जवाब देना होगा, आप अपनी सफाई दीजिए आके। आप बताइए
कैसे कैसे केसेस मुद्दे बना के आप भागे हुए हैं पैसा लेके। आपको डर है कि हम इको गार्डन में आएंगे तो बच्चे खड़े हैं, आपको थप्पड़ पड़ेंगे, आपको लात घूसे पड़ेंगे, आपको कहीं कहीं डर है कि हम आएंगे तो आपको बच्चे आप जवाब मांगेंगे आपसे कि आपने क्या किया टॉयलेट परिवार के लिए। क्या उसी समय तक आप लड़े थे? आप उसी समय तक लड़े थे जब आपका मतलब निजी मामला था, आपका निजी मामला आपका सुघोषित हो गया, आप बन लिए नेता, आपको दूसरे का संघर्ष आपको नहीं देखा जा रहा है। अरे भैया अर्जुन को बस चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बगल मगल माहौल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे वातावरण हमको कोई मतलब नहीं है। फैला दो आप सभी, शेयर कर दीजिए, बुजदिलो चुप रहो, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है कंधे से कंधा मिला के आइएगा, वरना गुमराह मत करिएगा। किसी को भी गुमराह करने का अधिकार तुमको नहीं है, अगर गुमराह करोगे तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सभी 21 लाख प्रशिक्षुओं की आवाज उठेगी। तुम्हें जिस प्रकार डीएलएड परिवार ने सर आंखों पे बिठा के ऊपर बैठाया, अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो तो उसी प्रकार आप धरातल पे धड़ाम हो जाओगे, आपको गिराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 21 लाख प्रशिक्षुओं के साथ कहीं न कहीं धोखा कर रहे हैं। आप अगर डीएलएड की हितैषी हैं, आप अगर खुद ईमानदार हैं, आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहिए। आपको बस अफवाह फैलाना है, मंत्री जी यहाँ चले गए, मंत्री जी वहाँ चले गए। आपसे मंत्री जी फोन पे बताए थे कहा कि मंत्री जी चले जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फलाने, आप बता दीजिए, पोस्टर के माध्यम से डाल दीजिएगा। आपको बताए थे मंत्री जी? आपको मंत्री जी बताए थे? आपको मंत्री जी बताए हैं? आपको फोन किए हैं? तो उसका स्क्रीन शॉट हमको चाहिए कि आपको आप चलिए अपने बात हुई है कार पे बताइए, 15 तारीख वाली बताइए। 15 तारीख को अधिक से अधिक जितना अधिक जनसैलाब होगा उतना ही विपक्षियों को जवाब मिलेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आएगा कि हमारी मांगे जायज हैं, हमको देना चाहिए। 21 से लेके अब तक हम लोग मांगों को अपनी मांग रहे हैं, उसमें पीछे नहीं हट रहा है। और जो भी नेता है उनको कहीं ना कहीं डर है कि हम जो भी पैसा लेके भगे हुए हैं, हम फरार हुए हैं, अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, जाएंगे तो 21 लाख का ये विशाल परिवार उनसे पूछेगा कि फलाने तुम क्या कर रहे थे जब ये संघर्षी साथी 12 दिनों से लड़ रहे थे। तो फलाने फिर भी कहेंगे, फलाने के अंदर अगर जमीर होगा तो फलाने कहेंगे कि हम लड़ रहे थे, हम सोशल मीडिया से लड़ रहे थे, हम सोशल मीडिया के नेता हैं। अरे फलाने शर्म करो, शर्म करो, तुम्हारे पीछे कितने लोग साथ दिए थे तुम जब लड़े थे, वहाँ कोई जातिवाद कोई धर्मवाद नहीं था, हम लोग कंधे से कंधा मिला के तुम्हारा साथ दिए थे, मगर तुम प्रशिक्षुओं समेत पूरे परिवार के माँ बाप को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे लिए तो गरुड़ पुराण में विशेष व्यवस्था की गई है, तुम जब जिस दिन जाओगे भगवान के द्वार में तुम जवाब क्या दोगे? ईमान नाम की भी कोई चीज होती है, कभी लड़ लिया करो। धन्यवाद। आप सभी साथी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के मध्य ये मैसेज जाए कि जो लड़ नहीं सकता वो अफवाह फैला सकता है। अफवाह फैलाने वालों से आप दूर रहिएगा। धन्यवाद। आगे की बात बिट्टू जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। हमारा बस अधिकार यही है, बस इतना छोटा सा ही है कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती आए, हमें किसी बातों को ध्यान नहीं देना है। हमारा बस अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आपको आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी आइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। आपका अधिकार बस यही है कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती आए, और आप लोग से हमेशा निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। जय हिंद साथियों। आगे की बात हमारे प्रशांत तिवारी जी बताएंगे, आप सबको 15 अप्रैल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, देखिए आज 12वां दिन है और लगभग हम लोग 15 दिन से लगे हुए हैं इस धरने को सफल बनाने के लिए। और इससे बड़ी बात है कि जब 23 मार्च का धरना हम लोग किए थे तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, लेकिन जमीन से नदारद था। उसके पीछे कहीं कहीं कुछ विरोधियों का हाथ था, लेकिन तब भी हमने कहा नहीं, धरती आएगी तो सभी के लिए आएगी,
संघर्ष किया गया, शिक्षा मंत्री का आवाज भी घेरा गया और हमें अपॉइंटमेंट भी मिला है, मिलेंगे भी। लेकिन बात यह है कि जब से महाधर्मी की डेट रखी गई है 15 अप्रैल को, तब से हमारे खिलाफ साजिशों का दौर चल रहा है। कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट किया है, खत्म हम मिलजुल करेंगे, चाहे जो भी स्तर पे जाना पड़े। भाई आपको भ्रामक कुछ भ्रामक खबरें उन लोगों द्वारा चलाई जा रही है जो इस मामले को विफल कराना चाहते हैं। लोगों ने कोष्ट तक नहीं डाले हैं कि 23 मार्च को धरना हो रहा है या 15 अप्रैल को धरना हो रहा है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा ही छत्र राज रहे, कोई नया पनप न पाए। अरे यार, मैं तो अपने एक सीट के लिए लड़ रहा था, और आज से नहीं, जब से तुमने किया था, तुम्हारे साथ यही इको गार्डन में रात दिन बिता दिए। तुमने कभी हमारी कुछ कहा, कभी नाम तक नहीं लिया, केवल बताया कि हमने किया। लेकिन आज हम अपने को नहीं बोलते, हमारी टीम यहाँ 15 दिन से रह रही है, और जिस कभी किसी ने हाल चाल लिया कि यार आप लोग कैसे हो, क्या खाते हो, कैसे क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये वो लोग कर रहे हैं जो एक पोस्ट तक नहीं डाले थे। तो इनके चक्कर में आप ना पड़िए, इनके चक्कर में ना पड़िए। 15 अप्रैल को महाधरना है, और मेरे द्वारा एक साजिश, लोगों द्वारा साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको केवल 15 अप्रैल का ध्यान रखिए, और धरने को आइए, धरने को व्यक्तिगत अगर कोई एक दो रहा होगा तो उसको कोई नहीं कह सकता, समझ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं भैया आप मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हमने कहा नहीं ऐसा, किसी ने अगर कर दिया हमें पहले से जानता तो उसको वायरल करने कोई अछूत नहीं। पब्लिकली कहीं किसी से कोई मदद मांगी गई हमारी टीम द्वारा, नहीं मांगी गई, न मांगी ही जाएगी। लेकिन हमें आपका सहयोग बस इसलिए चाहिए कि आप यहाँ आए, आप जो भाई इको गार्डन में आए हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, और जो आएंगे उससे भी बढ़ के है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई पब्लिकली दिखा दे, अरे यार एक स्क्रीन शॉट तुम वायरल कर रहे हो, दूसरा तुम ढूंढ के लाओ ना। अगर तुम्हारा काम ही यही है, जो हर चोर को चोरी नजर आता है, बहुत सही, हर चोर को चोरी नजर आता है। तुम ये बताओ, जब तुम धरना दे रहे थे यही प्रशांत तिवारी की फोटो निकली थी, तुमने क्यों ब्लर किया था? मैंने कभी पब्लिक किया था? मैंने बस लोगों से बोला दिया यार इसने ऐसा कर दिया था। तुम कितने बड़े चोर हो ना, मेरे से नहीं छिपा पाओ। और रही बात संघर्ष की, मैं नौटंकी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। बस तुम्हें दिक्कत इस चीज का है कि ये 12 दिन कैसे कर ले गया। मैं किसी पद पे हूँ, किसी संगठन से हूँ, मैं एक आम प्रशिक्षु हूँ, तो बात लोगों को लगती है, इसलिए लगती है ये कैसे कर ले गया, ये पंडित होके कैसे कर ले गया। जातिवाद तुम्हारे अंदर था, तुम जातिवाद खेले थे, लेकिन तब भी पंडित ये तुम्हारे साथ बैठा था रात भर। तभी मैंने कहा था कि पंडित, मैं तो बस धरती के लिए लड़ रहा था, और आज भी मैं पंडित, ये पंडित है, ज्ञानम जी पंडित है, दिखाइए इनको, ये पंडित है, ये पंडित है, ये पंडित है, ब्राह्मण ये ब्राह्मण पंडित करना बंद कर दो, लोगों के भविष्य के साथ खेलना बंद कर दो, नहीं तो। और रही बात तुम यार, मैं लाख बुरा हूँ, तुम तो अच्छे बनो, मैं लाख बुरा हूँ, तुम तो अच्छे बन के दिखाओ, कितने अच्छे हो सब जानते हैं। यही लड़के आते हैं, तुम लोगों का नाम लेते हैं, भैया वो अगर आए तो हमें बताना जरूर। अब मैं फोन कर करके तुम लोगों का नंबर दूंगा कि वो ऐसे हैं, उनके पास जाओ, समझ रहे हैं। तुम कितने दूध के दिल हो हमें सब पता है। अरे यार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तुम अगर, मैं उनको जरूर जवाब दूंगा, जो भाई यहाँ आके संघर्ष किया हो, हमारे साथ आया हो, अगर वो बोलेगा, हमारी टीम का कोई सदस्य बोलेगा प्रशांत भाई आप गलत कर रहे हो, मैं उनको सफाई दूंगा, मैं जो करना हूँ कर दूंगा। तुम यार एक पोस्ट तक नहीं डाल पाए, शुरू से 15 दिन से तुम्हारा विरोध कर रहे हो, बैठ के एक स्क्रीन शॉट को वायरल करके अपने आप को, वो मेरा व्यक्तिगत है यार, मेरा ट्रेवल चलता है, मैं तो यार इतना क्षमता रखता हूँ, अकेले सब कुछ करा रहा हूँ, पूरा धरना मैं करा सकता हूँ, समझ रहे हो। तुम्हारी क्या है यार, तुम चंदा के बल पे जीते हो 10x10 रूम में, मैं तो जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। मेरा यार खुद का, मैं ये भी बोला हूँ मुझे बहुत नौकरी की जरूरत नहीं है। आपकी आपकी किस्मत है कि एक लड़का ऐसा लड़ रहा है जो दूसरे एंगल से भी मजबूत है, तब भी आपके लिए। चलिए 15 तारीख बारे में बताइए, पशुओं का आह्वान के 15 तारीख को जो मरा अप्रैल को आह्वान मेरी टीम ने किया है, जो बहुत बड़े नेता बनते हो, बहुत बड़े नेता बनते हो, इसको विफल करके दिखाए। मैं चैलेंज देता हूँ, संघर्ष 12 दिन हुआ है, आगे 1 साल तक चलता रहेगा जब तक बाकी नहीं आएगी। चलिए अब आगे एक बात, हमारे बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक है, इन मार्गदर्शक में हमारे सबका कार्य चल रहा है, सब बैठे हैं हमारे बड़े भाई दामोदर। नमस्कार साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साथी तो धरने का डेट तो बता दिए हैं, लेकिन तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कोई अगर मैं ही हूँ, मेरा किसी से व्यक्तिगत व्यवहार है, मैं किसी से 500 1000 रुपये व्यक्तिगत
लिया हूँ, मुझे गूगल पे फोन पे किसी तरीके से ट्रांसफर किया हो, जो व्यक्तिगत मेरी चीज है उस चीज को क्यों आरोप कर रहे हो भैया? तुम्हारा पैसा है, अरे यार तुम पता नहीं किस किस नाम पे कितना कितना लाखों चंदा खाए, तुमको कोई गुस्सा नहीं गया? ये लोग कोई ग्रोथ दिया अगर ठीक है, किसी ने पर्सनल किसी से पैसा अपना ले लिया है निवेदन करता हूँ। नितेश पांडे के नेतृत्व में धरना चल रहा है, आप सभी साथियों से निवेदन है कि 15 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा सके, शिक्षा मंत्री पे दबाव बनाया जा सके, 51,000 प्लस भर्ती का विज्ञापन जारी हो, हम लोग बेसिक शिक्षा में आए, एक प्राइमरी का टीचर बने, अपने बच्चों का अपना परिवार भविष्य बनाए। साथियों पांडे जी बताइए, हमारे बड़े भैया ने आपको बहुत अच्छी तारीफ की, इन्होंने कंक्लूजन बता दिया बात की क्या बात की क्या इन्होंने देखे, एक इनको जानकारी है, सीनियर होने पर यही रहता है कि इनको पता है ना, अगर किसी से व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत किसी से अगर बात है कुछ वो व्यक्तिगत हमारे साथ कौन छल कर रहा है, किस तरीके से वो मायने नहीं रखता। जो आप सब 15 अप्रैल जो महा धरना का डेट दिएगा उसको कौन विफल करने की जो है मंचलों द्वारा जिसको कहा जाए जो बैठे हैं उसके तहत, क्योंकि जो कुछ मामला था आज जब से हम डेट घोषित किए हैं दिन से ये सब जा रहे हैं कि इनको किस स्तर से इनको में गिराया जाए, कितना चढ़ाया जाए। आप सब किसी के बारे में किसी के बातों में न आइए, हम सब लड़ेंगे जितना सामर्थ्य है हमारा, जितना उद्देश्य है मनोबल मनोबल बढ़ते रहेंगे। साथियों आज तबीयत हमारी धन्यवाद साथियों, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर, धन्यवाद धन्यवाद। पर भी आप सबके मध्य यहाँ बैठना पड़ रहा है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको मैं सहन कर रहा हूँ, क्या करूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, संघर्ष करता रहूँगा। साथ में कोई वीडियो को आप और एक चीज और बता दें, जो ये भ्रामक फैसले फैल रही ना उस पर आप ध्यान रखें, वो किसी तरीके से मुद्दा हमारा भर्ती का होना चाहिए, मुद्दा भर्ती का हमारे जो टीम द्वारा किसी जो टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो सहयोग कर रहे हैं हमारी टीम के द्वारा कोई प्रकार की कोई बातें नहीं आई है, न किया गया है, ये ऐसा छोड़ दीजिए। वो सब अगर कोई ऑफिशियल होता किसी के वो ट्विटर से होता, किसी के फेस होता, किसी व्हाट्सएप ग्रुप होता, तो ठीक था, तब कोई कहे तो हम समझते भी, लेकिन खाते जो है ना उसको ध्यान न दीजिएगा। आप अपने लत की खाना पड़िए, भारत माता की, लास्ट में 2 शब्द करके लाइक और सेक्शन समाप्त किया जाए। बस आप लोग से यही निवेदन है, जो 15 तारीख को इको गार्डन में जो महाधरना का ऐलान किया गया है उसको सफल बनाइए, और इधर उधर की बातों पर ध्यान न लेकर आप इको गार्डन में 15 तारीख को आइए। आप सभी को तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद साथियों।